ठीक है। पाओ मिट्टी पाओ बस बस कर मिट्टी ऊपर क्यारी बनानी पानी देने वास्ते बस कर भी रुक 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 मिट्टी राजा आयो राजा आदरा आदरा करो ए ठहर जा बूटे सारे फाड़ आदरा बूटे ले आदरा आयो आयो आ पीछे आओ इधर नहीं कि फोन कट गया चल एक मिनट इधर देखियो कुछ इधर चल ठीक का सत श्रीकाल तमाम आए हुए साथियों का। जैसे कि साथियों आप सब जानते हैं ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से पिछले कई दिनों से जो प्लांटेशन ड्राइव है पौधारोपण का अभियान है वो हम लगातार जारी रखे हुए हैं। हमने पिछले कोटली शादुला पंचायत में भी लगाए, आज हम गेगियां पंचायत में आए हैं। हमारे साथ कौशल जी हैं, कुलदीप जी हैं, रामपाल जी हैं, विक्की भगत जी हैं और गेगियां पंचायत के जो युवा हैं जो साथ हैं। तो हमारा यही प्रयास है और हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी जहां पे मौजूद हैं, तो जहां पे कोई पार्टी भेदभाव या वैसी कोई बात नहीं है, ये एक सामाजिक कार्य है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का कितना बुरा असर जो है एक इंसान पर पड़ रहा है, तो हमारा भी प्रयास है और युवाओं से हमारी यही अपील रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपने ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं, कम से कम जो आने वाली आपकी पीढ़ी है वो तो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो। जैसे कि आपको पता है कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हमारी पीढ़ी को नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, तो तब जाके जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं वो बच पाएंगी। तो मैं सभी का आए हुए तमाम हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और ये हमारा साथ दिया और पेड़ लगाने में हमारा सहयोग किया। आज हम गेगियां पंचायत में खड़े हैं, यहां बाबा पीर की जगह में यहां काफ़ी ग्राउंड खुली है, यहां प्लांटेशन जो ड्राइव किया है, ये कमेटी जो खड़ी है, यहाँ सभी सोशल हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं। यहाँ ट्रैक्टर यूनियन का भी है, आरएफ जी बैठे हैं, यहाँ कौशल जी भी हैं, ये भी नौजवान हैं और साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं और भी प्रधान साहब भी रामपाल जैसे और भी भगत जी सभी बैठे हैं। तो यहाँ ये इसलिए ड्राइव किया है कि वातावरण शुद्ध हो, प्लांट जो है हमें एक जीवन देते हैं, नया जीवन देते हैं और ये ऑक्सीजन भी देते हैं, क्योंकि इंसान जो गंदगी फैला रहे हैं तो ये हवा साफ़ कर रहे हैं। तो हमें आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम ये प्लांटेशन ड्राइव जो किया है उसको कामयाब करना है और हर एक आदमी को इंसानियत के लिए सभी इसको बाहर रखने के लिए कहते हैं कि सभी एक एक प्लांट लगाएं और अपने जीवन में अपना सफल करें और लोगों को भी प्रेरणा दें। थैंक यू।